अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स होप सो यू यूर विल बी फाइन एम आल्सो फाइन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम हियर फॉर यू आई वाज बिजी इन मनी एक्टिविटीज एंड वर्क्स सो आई कुड नॉट द मेक वीडियो फॉर यू बट नो आई एम हियर उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे हेयर हैरियत से होंगे सो so, uh, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे <coughs> वो कुछ रिसर्च से रिलेटेड है और आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और ये जो टॉपिक है मैं कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं इस पे वीडियो बना रही हूँ जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो रिलेट करता है आ, रिसर्च से और यूज़ भी रिसर्च में ही होते हैं वो आ, जिस पे हम बात करेंगे तो हमारा जो टॉपिक है वो है मेडिएशन एंड मॉड्रेशन जैसा कि सब जानते होंगे जो लोग रिसर्च को जानते हैं पढ़ते हैं समझते हैं कि रिसर्च बेसिकली क्या है और उसमें जब आप फर्दर प्रोसेसिंग में जाते हैं या आप अपने टॉपिक्स लेते हैं या आप एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर आपका जो मीडिएशन और मॉड्रेशन है वो कैसे रोल प्ले करता है और बेसिकली ये होते हैं जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये क्या होते हैं तो उस वक्त तक आप इनको अच्छे से आ, कवर नहीं कर सकते अच्छे से इनको हैंडल नहीं कर सकते अच्छे से अपने टॉपिक को आ, अपने टॉपिक को ब्रीफ़ नहीं कर सकते या आ, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको समझ ही नहीं सकते कि हमारे टॉपिक में क्या चीज़ मीडिएटर है कौन सी मॉडरेटर है या क्या है या इसको किस तरह से फर्दर करेंगे तो बेसिकली जो इस टॉपिक का है उसके अंदर हम ये चीज़ कवर करेंगे कि मीडिएशन क्या होती है फिर फर्दर किस तरह से होती है और मोट्रेशन क्या होती है इस चीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता और इन वीडियो में हम वो कवर करेंगे तो लेट्स से इसको स्टार्ट करते हैं और इसको कवर करते हैं जी तो सबसे पहले हम मीडिएशन की बात करेंगे कि मीडिएशन क्या होती है और फिर हम मोट्रेशन को देखेंगे अच्छा जब हम मीडिएशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे जब हम रिसर्च करते हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे टॉपिक के अंदर इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं फिर हम मीडिएशन पे आते हैं कि मीडिएशन क्या होती है मीडिएशन जो होती है वो दो वेरिएबल के बीच में एक थर्ड वेरिएबल का रिलेशन होता है बेसिकली मेडिएशन तब एग्ज़िस्ट होती है जब टू वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हों ड्यू टू थर्ड वेरिएबल मेडिएशन डायरेक्ट भी होती है इनडायरेक्ट भी होती है लेकिन जो डायरेक्ट होती है वो बेसिकली उस तरह से मिडिएशन नहीं होती उसमें फॉर्म्स आ जाती हैं पार्शियल मीडिएशन हो सकती है या फिर डायरेक्ट मीडिएशन होती है तो उसमें मीडिएशन का इतना रोल नहीं होता और फुल मीडिएशन तब होती है जब डायरेक्टली तौर पे जो इंडिपेंडेंट आईवी और डीवी हैं वो बिल्कुल इतना कांटेक्ट नहीं कर रहे और उनका जो इफेक्ट है वो थर्ड वेरिएबल की वजह से है फुली इफेक्ट हो रहा है तो हम उसको फुल मीडिएशन कहते हैं अच्छा मीडिएशन की अगर हम मजीद बात करें तो वो ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो वेरिएबल हैं ए और बी ये डायरेक्ट रिलेशन काज करें होंगे जैसा कि आपको नज़र पे आ रहा होगा कि ए और बी के बीच में अगर रिलेशन है ये डायरेक्ट रिलेशन है ए और बी का लेकिन अगर इसके अंदर थर्ड सी वेरिएबल आ जाता है तो वो मॉडरेटर भी हो सकता है मीडिएटर भी हो सकता है ये आप ख़ुद इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या उनका रिलेशन बन रहा है अब अगर हम देखें कि इसमें मीडिएशन किस तरह से होगी लाइक दैट अगर आपकी जो है वो जैसा कि आपको इसमें नज़र आ रहा होगा इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट भी हो रहा है डायरेक्ट इफेक्ट भी हो रहा है तो अगर आपकी जो हम बात करेंगे इसके अंदर सबसे पहले इफ़ेक्ट्स की बात करें इसके अंदर डायरेक्ट इफेक्ट्स भी होते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट्स भी होते हैं डायरेक्ट इफेक्ट में तो जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट किस्म की जो हैं वो चीज़ें आ रही होती हैं अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मिडिशन को एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं जैसे कि आपको नज़र आ भी रहा होगा इसका जो लाइव है नीचे आपको विजिबल हो रहा होगा आप देख लीजिए कि अगर हम कहते हैं कि हाई इनकम टेंड टू लिव लॉन्गर तो हाई इनकम हो अगर तो वो इफ़ेक्ट कर रही है कि अगर हाई इनकम होगी तो एक इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा लंबे अरसे तक जिंदा रहेगा इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं बन रहा इसलिए एक लॉजिकली बात नहीं है ये एक इलॉजिकली बात है ये कहीं से प्रूफ नहीं होती कि अगर जो है वो आपका आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप लंबे अरसे तक जिंदा रहेंगे इनका तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा कोई लॉजिकली लेकिन इसी तरह अगर हम ये कहते हैं कि हाई इनकम बेटर हेल्थ बेटर केयर देन टेंड टू लिव लॉन्ग अब ये मिडिएशन हो रही है यहाँ पे मिडिएटिंग करने के लिए थर्ड वेरिएबल like तो जो है इसके अंदर इंटरवीन करके है, लाइक दैट अगर हाई इनकम होगी तो ये जो इंडिविजुअल है वो अपनी जो केयर है वो हेल्थ है उस पर ज़्यादा एक्सपेंड कर सकता है उसकी ज़्यादा केयर कर सकता है उसको एक्सपेंस का कोई मसला नहीं होता जब वो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो वो टेन टू बी लॉन्ग मतलब वो लंबे अरसे तक जिंदा रह सकता है जैसा कि ए और बी के बीच में पहले रिलेशन था कि हाई इनकम एंड देन टेंड टू तो बी लॉन्गर इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट के ऊपर कोई रिलेशन नहीं शो हो रहा था इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा था इन दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन एग्जिस्ट हुआ है वो ओनली फॉर थर्ड वेरिएबल ड्यू टू तो थर्ड वेरिएबल जब हा और बेटर हेल्थ होगी फिर जो उसका इफेक्ट है वो थर्ड उसके ऊपर देखा जाएगा कि हायर इनकम बेटर हेल्थ और टेंड टू बी लॉन्गर जो टेंड टू बी लॉन्गर और हाई इनकम इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों के बीच में जो रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है वो केयर की वजह से कर रहा है बेटर केयर की वजह से कर रहा है बेटर ट्रीटमेंट की वजह से कर रहा है अदरवाइज इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा मतलब दो वेरिएबल के बीच में जब रिलेशन थर्ड वेरिएबल की वजह से एग्जिस्ट करता है तो बेसिकली उसको मीडिएशन कहते हैं इसी तरह जो है वो पार्शियल मीडिएशन होती है फुल मीडिएशन होती है और डायरेक्ट इफेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट होते हैं अब देखेंगे जो पार्शियल मीडिएशन होती है उसके अंदर क्या होता है कि ए और बी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन होता है लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता उसका इम्पेक्ट होता है लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं होता लाइक like दैट जैसे कि हमने देखा जब फुल मीडिएशन होती है तो उसके अंदर इनडायरेक्ट इफेक्ट ज़्यादा हंड्रेड परसेंट काउंट कर रहा है और डायरेक्ट इफेक्ट्स बिल्कुल काउंट नहीं कर रहा लेकिन पार्शियल मीडिएशन के अंदर डायरेक्ट इफेक्ट भी काउंट कर रहा है लाइक like दैट अगर इसको हम देखें कि इसकी हम देखें कि किसी की स्किल्स बड़ी हाई हैं सेल्फ एफिकेसी है, है आ, और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है मैथ सब्जेक्ट है तो उसमें ये चीज़ होगी कि एक इंडिविजुअल है वो मैथ का सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसकी जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो भी है मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन है लेकिन अगर उसकी सेल्फ़ एफिकेसी बहुत हाई है मैथ में तो वो उसका एक थर्ड वेरिएबल आ जाएगा लाइक like दैट के अगर वो uh, उसकी स्किल्स इतने हाई हैं तो डेफ़िनेटली उसका इंटरेस्ट भी है तो वो इसमें उसमें प्रोफिशेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अब इसमें ये नहीं होगा कि अगर उसकी हाई को अगर उसमें हाई प्रोफिशिएंसी नहीं होगी तो डजन नॉट मीन कि वो इसको जो है वो फेल हो जाएगा या वो नहीं फेल नहीं होगा वो अपने एफर्ट्स से इसको कंटिन्यू कर सकता है लेकिन मेन बात यह है कि जब पार्शियल मीडिएशन होती है उसमें डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो है वो काउंट कर रहा होता है लेकिन फुली काउंट नहीं कर रहा होता इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में रिलेशन होता है लेकिन इतना स्ट्रोंग नहीं होता लेस स्ट्रॉग होता है लेकिन होता ज़रूर है इसी तरह नेक्स्ट जो है वो आप इनके इफेक्ट्स को देखें तो वो भी इसी तरह आपको एक्सप्लेनेशन में नज़र आ रहे होंगे और इंटरेस्ट की जो हमने बात की कि मैथ सेल्फ एफिकेसी की वो भी मैंने नीचे एक्सप्लेन कर दिया है वीडियो में आप देख सकते हैं मेजर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है मैथ्स की जो एग्जाम्पल है वो पार्शियल मीडिएशन को शो कर रही है और अगर आपका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता तो वो शो करती है कि इसके अंदर कोई मीडिएशन नहीं है मतलब नो no मीडिएशन ऐसा भी होता है कि हमें पता चलता है कि जब किसी चीज़ का किसी चीज़ के साथ कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा ना पार्शली आ रहा है ना फुली आ रहा है तो फिर हम उसको कह देते हैं कि इसका जो इफेक्ट है इसका जो इफ़ेक्ट है बेसिकली वो किसी के ऊपर नहीं आ रहा तो ये क्या होगा इसकी बिल्कुल भी मीडिएशन नहीं होगी यानी कि फुल मीडिएशन, पार्शियल मीडिएशन और नो मीडिएशन नो मीडिएशन ये होती है कि ए और बी का डायरेक्ट ही रिलेशन है किसी थर्ड की वजह से इफेक्ट नहीं हो रहा और जो मीडिएटर होता है वो कैन बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट द समटाइम ठीक है नो वी आर गोइंग टू मॉड्रेशन के मोट्रेश मॉड्रेशन जो है वो क्या होती है बेसिकली मोट्रेशन भी एक वेरिएबल है और रिलेशन को ए एंड बी के बीच में रिलेशन को स्ट्रेंथन करता है या वीकन करता है इसके दो ही काम होते हैं या तो रिलेशन को स्ट्रेंथ कर देता है और या रिलेशन को वीक कर देता है लाइक दैट अगर हम बात करते हैं कि स्ट्रेस है और अग्रेशन है या स्ट्रेस है या फिर आप कह लें कि Uh, कोई भी वेरिएबल ले लें स्ट्रेस ले लें लाइफ सेटिस्फेक्शन ले लें स्ट्रेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लें लाइफ सेटिस्फेक्शन जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल ले लें और जो कोपिंग है उसमें मॉडरेटर ले लें कोपिंग का रोल उसमें ऐसा मॉडरेटर का है तो इसमें कैसे ये मॉडरेटर है इसमें ये चीज़ होगा अगर किसी इंसान के किसी इंडिविजुअल की कोपिंग एबिलिटीज़ अच्छी होंगी तो उसकी लाइफ सेटिस्फेक्शन जो क्या है वो इंक्रीज़ हो जाएगी वो उसके इफेक्ट को इंक्रीज़ कर देगा उसकी लाइफ सेटिस्फेक्शन को स्ट्रेंथन कर देगा लेकिन ऑन द अपोजिट साइड अगर किसी इंडिविजुअल की कोपिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो पुअर होंगी अनएबल टू मैनेज होंगी वो मैनेज नहीं कर सकता तो वो क्या करेगा उसके स्ट्रेस के साथ मिलके जो स्ट्रेस का इफेक्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा यानी कि उसकी कोपिंग एबिलिटीज़ ही नहीं है तो वो क्या करेगा कि लाइफ सेटिस्फेक्शन के जो इफेक्ट है उसको वीकन कर देगा स्ट्रेंथन नहीं करेगा दूसरी केस में अगर, अगर मॉडरेटर कोपिंग एबिलिटीज में हाई प्रोफिशेंसी का रोल प्ले कर रहा है तो लाइफ सैटिस्फेक्शन हाई हो जाएगी लेकिन एज अपोजिट अगर ये स्ट्रेंथ वीकन करता है तो स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाएगा और कोपिंग एबिलिटीज जो हैं वो अनएबल टू मैनेज होंगी उसके अंदर कोपिंग एबिलिटीज हैं नहीं। तो क्या हो जाएगा कि ये ये जो चीज़ है वो डिक्रीज कर देगा उसके फैक्ट तो अच्छा आप मॉडरेट uh, की कुछ टाइप्स भी होती हैं बेसिकली मैट्रिक्स और नॉन मैट्रिक्स होती हैं मैट्रिक्स में तो आप देखें कि जेंडर एज रेज आ जाती है नॉन मैट्रिक्स में सॉरी ये चीज़ें आती हैं जेंडर एज रेस सी टी सी इसको नॉन मैट्रिक्स मॉडरेटर भी कहते हैं मैट्रिक मॉडरेटर वो होते हैं जो कंटिन्यूस होते हैं अनेबल टू डिवाइड होते हैं इंडिविजल होते हैं तो ये भी एक नीचे एग्जाम्पल है सैलरी की एज की हेल्थ स्क्रीनिंग की वो कहते हैं कि हेल्थ सैलरी एंड हेल्थ स्क्रीनिंग कैन बी स्ट्रांगर फॉर ओल्डर मैन एंड लेस स्ट्रगर फॉर यंग मैन अब एज को यहाँ पे अगर हम मॉडरेटर ले रहे हैं सैलरी को इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लें ले और हेल्थ स्क्रीनिंग को डिपेंडेंट वेरिएबल ले लें ले। अब हमने देखना सैलरी का क्या असर हो रहा है हेल्थ स्क्रीनिंग पे और मॉडरेटर एज है तो वो एज क्या रोल प्ले करें हम यहाँ पर यह देखेंगे कि, कि जो सैलरी और हेल्थ स्क्रीनिंग है वो स्ट्रागर हो रही है किस एज में ओल्डर एज में एज के अंदर कैटेगरीज आ जाती हैं ओल्डर यंग एडोलिसंट इटीसी जो भी हैं एज एक मॉडरेटर है और उसके अंदर जब ओल्डर एज की हम बात करें तो वहाँ पे जाके ये रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है यानी ये स्ट्रेंथन कर रहा है रिलेशनशिप को और इसी तरह लेस स्ट्रॉग होगा यंग मैंस के लिए और अब तो आप इसके डिफरेंसेस को खुद ही देख लें आपको अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा कि बेसिकली मीडिएशन जो है वो दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप होता है जो कि थर्ड वेरिएबल की वजह से एग्जिस्ट करता है अगर थर्ड वेरिएबल को वहाँ से हटा दिया जाए तो बेसिकली मीडिएशन एग्जिस्ट नहीं करती एक्सेप्ट इन डायरेक्ट और डायरेक्ट रिलेशनशिप्स की कंडीशनस के साथ फिर अगर हम मॉडरेटेड की बात करते हैं तो वहाँ पे जो बेसिक डिफरेंसेस हैं इसमें यही हैं कि एक जो है वो ऑलरेडी uh, मीडिएशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं मॉडरेशन जो है वो रिलेशन uh, को या तो स्ट्रॉगर करता है स्ट्रेंथन कर देता है स्ट्रॉन्ग बना देता है या वीकन कर देता है उसके रिलेशन को वीक कर देता है और उसकी जो इफेक्ट्स हैं उसको कम कर देता है ठीक है ये uh, इसके दो तीन चार फंक्शंस होते हैं जो कि इसी फॉर्म में मॉडिफाई होते हैं फिर इनकी कैटेगरीज़ के, के बारे में हमें हमने बात किया आप इन दोनों को अच्छे से समझें अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती या कोई चीज़ इशू या प्रॉब्लम करती है यू कैन कंसल्ट फेसबुक पे हमारा पेज है मेन्टल हेल्थ साइकोलॉजी के नाम से जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं हमें डायरेक्ट वहाँ पर मैसेज करते हैं कर सकते हैं इनबॉक्स में आ, इसी तरह अगर आप आ, कोई भी और इशू है या उस को आपको समझ नहीं आ रही है तो होप्सो जिन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी मैंने ये वीडियो उनकी रिक्वेस्ट पे बना दी थी होप्सो उनको समझ आ गई होगी और फिर भी अगर किसी को नहीं है कोई क्यूरी कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम आप यू कैन आस्क सो अपनी दुआ में याद रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा इन शेक्सट वीडियो में आपसे मिलेंगे अगर किसी ने हमारा चैनल अभी अभी ज्वाइन किया है कैंडे इसको सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपनी दुआओं में याद रखें नॉलेज बांटना जिद का जारिया है आप इसको बाँटें लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अपनी दुआ में याद रखें तब तक के लिए अल्लाह अल्लाफ़